हाँ बेटा, हाँ सर, मुझे नेटवर्क प्रॉब्लम आया था इसलिए मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, इसलिए आपको रिप्लाई नहीं दे पाई। अच्छा, तो अभी आ जाओ जल्दी, जल्दी आ जाओ। सर मैं एक कंफ्यूज हूँ, बताओगे क्या आप? हाँ बोलो ना बेटा, क्या कंफ्यूज? हेलो। हाँ हाँ बोलो। सर, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि अगर आर घटेगा तो उसे कैसे पहचानेंगे, क्या आर घटेगा तो? उसे कैसे पहचानेंगे कि इस क्वेश्चन में आर घट रहा है, वो मुझे समझ नहीं आ रहा है, बताओ। बेटा रे, अगर आप अर्थ की बात करो, अर्थ पे हो और फ्लोर पे जा रहे, अर्थ से 10th फ्लोर पे गए, किसी बिल्डिंग के 10th फ्लोर पे गए, तो आप एक चीज बताओ कि आपका अर्थ के सेंटर से हाइट बढ़ा या घटा? बड़ा सा बढ़ा। और आप वेल जानते हो, कुआं जानते हो, वेल, आप उसमें कूद गए, तो घटा हाइट या बढ़ा? घटा। समझ में आ गया ना? बस यही अगर कंसेप्ट। कम हुआ तो घटा, अगर बड़ा हुआ तो ज्यादा हुआ तो बड़ा। वही तो बात बोल रहा हूं, ज्यादा हुआ मतलब बड़ा होता ही है ना भाई, कम हुआ मतलब कम होता ही है ना। अब देखो यहां पे अच्छा, ध्यान दो, आ सभी लोग गया। ध्यान दो, यहां पे यह जी कहां पे है? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। यह जी कहां पे है? एट द हाइट। और यह जी कहां बॉटम। पे है? एट द डेप्थ, लैटिट्यूड। देखो लैटिट्यूड, बात समझ में आ रही क्या? तो इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू जी का कहां होगा? जी का सबसे ज्यादा सरफेस पे, सरफेस पे होगा। मेरी बात ध्यान दो, सरफेस। यहां पे कुछ चीजें नहीं अभी समझ में आएंगी, मैं जब डेरिवेशन मेथड बताऊंगा तब समझ में आएगी। सबसे ज्यादा वैल्यू कहां होगा? सरफेस पे। सरफेस उससे ज्यादा वैल्यू कहां होगा? डेप्थ में। सॉरी, उससे कम वैल्यू कहां होगा? डेप्थ, डेप्थ में, लैटिट्यूड, ध्यान दो। और सबसे कम वैल्यू कहां होगा? अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड। मतलब सबसे सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू कहां होगा? सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस उससे कम कहां होगा? सेम डेप्थ में, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड। और उससे कम कहां होगा? सेम हाइट पे। मतलब एच हाइट ले लो और एच डेप्थ ले लो, तो जी का वैल्यू कम कहां होगा? हाइट पे, एज कंपेयर टू राइट। डेप्थ। बट दोनों केस में घटेगा, हाइट पे भी जाओ तो घटेगा और डेप्थ में भी जाओ तो घटेगा घटेगा। घटेगा। इसका एक कंसेप्ट है, मैं समझाऊंगा, जेई मेथड बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो जीएस मतलब ग्रेविटेशनल एक्सलेशन एट द सरफेस ऑफ अर्थ, जीएल मतलब ग्रेविटेशनल एक्सलेशन एट द लैटिट्यूड, लैटिट्यूड मतलब डेप्थ। देख लिख लो लिख लो लिख लो। देख। हाँ सर, मैं रफ करूं क्या इसको? नहीं सर, 2 मिनट। या क्यों होता है, इसका भी रीजन बताऊंगा, क्यों होता है इसका रीजन बताऊंगा। ब्रिटानिया का केक खाए हो तुम लोग? नहीं सर। कौन सा हाँ सर? खाए। ब्रिटानिया का कौन सा केक सर? आता है इतना बड़ा? नहीं खाए, कोई बात नहीं। पार्ले जी बिस्किट हाँ सर, खाए हाँ हो? सर खाए। हाँ सर हाँ सर, खाए, हाँ सर पार्ले खाए। पार्ले जी बिस्किट जब आप खरीदते हो तो उस पे लिखा रहता है 200 ग्राम या 100 ग्राम लिखा रहता है। वो हाँ यस सर। 100 ग्राम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है आप देखे हो? 100 ग्राम नहीं जो बिस्किट रहता है, आप देखते हैं हर बिस्किट आइडेंटिकल होता है, सेम तरह का होता है, देखे हैं क्या? हाँ एक बिस्किट का जितना मास होगा वही मास दूसरे बिस्किट का होगा, होगा या नहीं होगा? हाँ सर, तो यस आपको सर। बोला जाए कि 100 ग्राम के बिस्किट को आप बताओ कि बांटो, कैसे बांटोगे? हर बिस्किट का एक मास आप ऐड कर एक दो, बिस्किट
बात समझे क्या, हर बिस्किट का मास को आप ऐड कर दो। अगर 100 ग्राम का पैकेट ऑफ बिस्किट है तो आप क्या बोलोगे, मान लो कि 10 बिस्किट है तो 10 बिस्किट होगा तो कितना होगा, 10 ग्राम का एक बिस्किट, 10 ग्राम का एक बिस्किट, यही होगा ना बेटा। हाँ। नहीं समझ में आया। हाँ वैसे। अब इसको मैं कंसेप्चुअली डिफाइन करूं, हो गया यहाँ तक? इसका मतलब अभी आप क्या देखे, लेकिन रटा पीटा भाषा देखे हैं, अभी आप एक्सप्लेन नहीं किए हैं बस। क्या क्या रटा पीटा भाषा देखे, तीन डायग्राम बना रहा हूं मैं, ये अर्थ है, मास है, अर्थ है, अच्छा इसको नीचे बना देता हूं, या हाइट है, या कहां है, ऑन द सरफेस है, डेप्थ, ये कहां है, एच डेप्थ है, इसको कहते हैं क्या, बोलो, अल्टीट्यूड, 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 ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और इसको क्या कहते हैं, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड, इसका जी का वैल्यू क्या होगा, जी ए, ए मतलब अल्टीट्यूड, जी एस, जी ए का वैल्यू जी एम बाय, बोलो जी एम अपॉन आर प्लस एक्स, बोल लो एक्स, अगर नहीं भी लोगे तो एच ले सकते हो, अगर एक्स जीरो मानोगे तब, समझ में आ रहा है, एक्स जीरो मानेंगे तभी वो आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, जी एम अपॉन आर, कब, जब एक्स जीरो मानोगे, ये बात ध्यान रखना है, और यहाँ पे क्या आएगा, जी एम अपॉन आर माइनस डी स्क्वायर, डी नहीं एच ही लिया, एच एच, इसमें सबसे बड़ा कौन है, जीएस, उससे बड़ा, आ नहीं उससे छोटा, जीएल, और सबसे छोटा अल्टीट्यूड, जीएल, जीए, सर ऊपर करूँ थोड़ा, बस सर, बोलो बेटा, सर डेप्थ में तो ज्यादा होगा ना सर, एक्सेलरेशन कहाँ पे, डेप्थ में ज्यादा किससे होगा, आप ये बोल रहे हो कि जी का वैल्यू तो इससे कम है, आप ये बोलना चाह रहे हैं ना, यस सर, जी एस से छोटा है ना, जी एल से नहीं, इसका फॉर्मूला अलग आता है, यहाँ पे दिख रहा है ऐसे, लेकिन इसको एक्सप्लेन करोगे तो इससे छोटा आएगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे आगे चल के बताऊंगा, जब एक्सप्लेन करूंगा ना तब समझ में आएगा, एक बात और लिख लो, हो गया यहाँ तक, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सेंटर ऑफ अर्थ, जीरो होता है क्या सर, जीरो होगा, क्यों जीरो होगा, क्योंकि यह h इक्वल टू r हो जाएगा, हाँ यस, फिर नीचे करो ना, r माइनस r जीरो हो जाएगा, इसलिए ना सर, लिखेगा नोट, n o t e नोट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सेंटर ऑफ अर्थ, दो मिनट रुको सर, तो थोड़ा ऊपर करो ना, ऊपर का फॉर्मूला लिखो,
हो गए सर, 2 मिनट सर। नोट, NOTE नोट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सेंटर ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सेंटर ऑफ अर्थ कितना आएगा? जीरो। जीरो लिख लीजिए, जीरो जीरो। अब इसका कल मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा, ए फॉर्मूले एक्सप्लेन करूंगा, शायद इतना ही में टाइम कल खत्म हो जाएगा। अभी इसका ग्राफ बाकी है, क्या बाकी है? ग्राफ्स बाकी है। कोई बच्चा बता सकता है इसका ग्राफ मैं रफ करूं क्या? कोई बच्चा सोच के बता सकता है इसका ग्राफ क्या होगा? जी और अरे कौन बोला भाई, कौन बोला? सानिका। अरे वाह रे सानिका वाह, जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। देखो कैसे होगा, देखो कैसे होगा, जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला है? हाँ या ना, यही फॉर्मूला है? अब देखो यह इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यह जीएम क्या है? कांस्टेंट है, आपने अभी बोला था, मतलब जी इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? कांस्टेंट। याद है आपको पैराबोला का हाइपरबोला का फॉर्मूला बताए थे, एक्स इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बताए थे कि नहीं बताए थे? हाँ या ना? अरे हाइपरबोला के ये फॉर्मूला बताए थे ना, कुछ बोल ही नहीं रहा है सब। यस सर। तो अब आर स्क्वायर मतलब आर कभी आर स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है? नो सर। नो सर। इसका ग्राफ क्या होगा बताइए, इसका ग्राफ क्या होगा? ऐसे टाइप का ग्राफ होगा। यह किसका ग्राफ है? जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर का ग्राफ। कल बताऊंगा, टेंशन मत ले, 2 मिनट सर इतना। या पूछा हुआ है जेई नीट में, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है इस ग्राफ से रिलेटेड। चलिए आज के सवाल। हाँ सर हो गए सर। 5 बजे से है केमिस्ट्री, अरे मैथ की नहीं हुए, हुए, है सर। 5:10 चलो बाय डा बाय सर।